नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आज पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में। आपने देखा होगा कि बॉटनी में हमने चर्चा की थी पादपों के बारे में, जब तो वहाँ पर हमने आपको पादप ऊतकों के बारे में बताया था। हमने ऊतकों के बारे में आपको बताया था कि ऊतक होते क्या हैं। ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, या एक तरफ से कह सकते हैं जो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊतक का निर्माण किससे हो रहा है, कोशिकाओं से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पादप ऊतक हैं तो उनमें भी क्या होगा, जो उनके ऊतक हैं उनकी भी कोशिकाएं किससे, सॉरी ऊतक किससे निर्मित होंगे, कोशिकाओं से निर्मित होंगे, समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होंगे। उसी प्रकार जब हम जंतु ऊतकों की बात करते हैं तो उनकी भी जो ऊतक होते हैं किससे निर्मित होंगे, समान प्रकार की कोशिकाओं से। ठीक है, तो जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक और पादपों में पाए जाने वाले ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं। तो पादप ऊतक की चर्चा हमने कर ली थी बॉटनी में, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जंतु ऊतक के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब जो मनुष्य हैं हम भी किसके अंतर्गत आते हैं, जंतु वर्ग के अंतर्गत आते हैं, फाइलम कह सकते हैं जो एनिमेलिया है उसके अंतर्गत हम आते हैं। तो अगर हमसे पूछी जाए कि जो हमारे शरीर की सबसे बाहरी तौर पर जो रक्षा कौन करता है, तो हम क्या जवाब देंगे, त्वचा रक्षा करती है। तो त्वचा जो है हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसी त्वचा को हम क्या कहते हैं, ये त्वचा भी हमारी किससे बनी होती है, ऊतक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये त्वचा किससे बनी है, ऊतक से बनी है, और ऊतक किससे बने हैं, कोशिकाओं से, यानी हमारी त्वचा किससे बनी है, या कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिकाओं के बारे में हमने देखा था कोशिकाएँ कैसी होती हैं, परमिएबल होती हैं, सेमी परमिएबल होती हैं, इन सब बारे में चर्चा हमने की थी कि पारगम में क्या होता है, अर्ध पारगम में क्या होता है, कैसे विसरण के द्वारा जो है अंदर से वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज़न या परासरण के द्वारा क्या होती है, अंदर आती है। तो ये सब चीज़ें हमने चर्चा की थी। और तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जंतु ऊतक पर। तो हमने जैसा बताया आपको कि जंतु ऊतक भी क्या होंगे, जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम क्या कहेंगे, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक किससे बने हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं क्या, ऊतक। तो जंतु ऊतक की अगर हम बात करें तो इनको हम प्रायः कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, चार कैटेगरी में। जंतु कोशिकाओं से बने ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं, ऐसा हमने चर्चा कर ली। अब चलते हैं इनके प्रकार के बारे में समझते हैं, इनके प्रकार क्या क्या हैं। इनके प्रकार अगर हम देखते हैं तो इनके प्रकार हैं क्या, जंतु कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं, जंतु ऊतक कहते हैं। प्रकार पे चलना था हमको, प्रकार क्या है, उपकला ऊतक जिनको हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्या है, उपकला ऊतक जिनको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, या इनको हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एडिपोज, क्या नाम देते हैं, एडिपोज। और दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक किसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, वह क्या करता है, जोड़ने का कार्य करेगा। आगे दूसरा क्या है, पेशीय ऊतक जिनको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू, क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी पेशियों में पाई जाती हैं, जितने भी आपके शरीर में पेशियाँ वगैरह हैं वो सब किसकी बनी होती हैं, पेशीय ऊतक की बनी होती हैं। आगे है तंत्रिका ऊतक जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यू। जैसा कि आपने तंत्रिका यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, तो आप समझ सकते हैं तंत्रिका मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या पाए जाएंगे, तंत्रिका ऊतक ही पाए जाएंगे। तो इनकी चर्चा हम क्रमवार विश्लेषण का हम आगे करते हैं। चलिए पहला अपना टॉपिक लेते हैं, क्या, उपकला ऊतक जिनको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं या जिनको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। देखिए ये उपकला ऊतक क्या है, हमने अभी चर्चा की कुछ देर पहले किसकी, त्वचा की। तो ये जो हमारी त्वचा है, जो बाहरी त्वचा है हमारी, इसी को हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक, इसी को हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। हमारी त्वचा अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे क्या, उपकला ऊतक से हमारी त्वचा बनी हुई होती है। अब इसके लक्षणों के, या कह सकते हैं इसके कार्यों के बारे में समझते हैं। जंतु के शरीर को ढकने वाले और रक्षा करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। हमने आपसे बताया जो हमारी त्वचा होती है वो हमारी क्या करती है, शरीर को ढकती है, हमारी रक्षा करती है, तो यही क्या होती है, उपकला ऊतक। हम भी तो जंतु कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसा हम समझ सकते हैं क्या, कि जंतु के शरीर को ढकने वाले और रक्षा करने वाले ऊतक को क्या कहेंगे, उपकला ऊतक कहते हैं, या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका पहला लक्षण की बात करें तो ये शरीर के बहुत से अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लगभग कह सकते हैं सारे अंगों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारी बाहरी त्वचा ही नहीं, अंदर भी क्या होते हैं, उपकला ऊतक
मौजूद होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। दूसरा क्या है, ये भिन्न प्रकार के अंगों को अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की क्या होते हैं, हमारे अंदर भी उपस्थित होते हैं, जैसे हमारे हृदय वगैरह हैं, फेफड़े वगैरह हैं। अब वो क्या है, एक दूसरे सारे तो शरीर के अंदर ही स्थित हैं, क्या एक दूसरे से सट नहीं सकते हैं? वो जरूर सट सकते हैं, लेकिन इसलिए इसके ऊपर क्या पाया जाता है, उपकला ऊतक पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ताकि वो क्या करे, उनके बीच में अवरोध यानी एक बैरियर का कार्य करे कि वो एक दूसरे से क्या ना कर पाए, सट ना पाए। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कार्य करता है, उपकला ऊतक एक बैरियर का कार्य करता है विभिन्न प्रकार के अंगों को अलग करने के लिए। तीसरा क्या है, ये अनवरत परत का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अनवरत परत का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, ये बाई मतलब कई सारी लेयर्स इसमें क्या होती हैं, निर्मित होती हैं, बहुत सारी लेयरों का ये निर्माण करते हैं। कौन? उपकला ऊतक, इसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। ये शरीर व बाह्य वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान करने का कार्य करती है, यानी ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर और जो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, इसके भीतर जो पदार्थ होते हैं, इन दोनों को आदान प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे हमारे शरीर में आपने देखा क्या, पसीना होता है, पसीना क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, और गैसें वगैरह हैं या जो भी हमारे त्वचा के माध्यम से जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं वह क्या है, बाहरी वातावरण में आई गई, और बाहरी वातावरण से भी क्या होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, जैसे नमी वगैरह की अगर बात करें तो इनको भी आर पार आने जाने का कार्य कौन करता है, उपकला ऊतक। अब उपकला ऊतक की बात करें तो ये कैसे होते हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊतक है एक, अब इसमें अगर कोशिकाएं लगी होंगी तो वह कुछ इस प्रकार से लगी होंगी, यानी एक दूसरे से एकदम सटी हुई होंगी, इनके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता है, अंतर कोश की स्पेस कह सकते हैं एकदम नहीं होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि इसीलिए हम क्या करते, अगर जैसे मान लीजिए आप बारिश में बाहर भीगते हैं तो अगर आपकी त्वचा पर पानी पड़ता है तो क्या होगा, पानी आपके शरीर के अंदर नहीं घुस जाएगा, ऐसा तो हो सकता है पानी बरसा और शरीर के अंदर आपके घुस गया और क्या है, फूल गए पूरे, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये उपकला ऊतक जो होता है ये कोशिकाओं की, इसकी कोशिकाएं या इसकी सेल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा आपस में क्या होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या है, सेमी परमीबल, यानी ये एक तरफ से कह सकते हैं ये एक नियंत्रण का कार्य करता है कि किसको बाहर आना है किसको बाहर जाना है, ये सब चीज़ों का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत कम अंतरा कोश की स्पेस या स्थान होता है। ये हो गया, आगे इनके भी चार प्रकार होते हैं, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है जो हमारा उपकला ऊतक है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, सरल, स्तंभित, स्तरित और घनाकार। सरल, स्तंभित, स्तरित और घनाकार, तो सबसे पहले कौन से समझते हैं, सरल और स्तरित के बारे में। ठीक है, सरल और स्तरित के बारे में, तो जैसा कि इसका नाम क्या है, सरल, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू भी कहेंगे, सरल यानी सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू। अब सरल ऊतक क्या होते हैं, देखिए जैसे हमारा ये हुआ, मान लीजिए ये कोई ऊतक है। अब सरल ऊतक कब होगा, जब ये एक लेयर से बना होगा, एक परत से बना होगा, जैसे ये हमारा एक है सरल ऊतक, ये क्या होगा, ये एक परत से बना है, कैसी है, यह एक परत से बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरल ऊतक। जब यह एक परत से बना होगा तो इसको हम कहेंगे सरल ऊतक। और बात करते हैं स्तरित ऊतक की, किसकी, स्तरित ऊतक की। जब हम स्तरित ऊतक की बात करेंगे तो यह क्या होगा, यह कई सारी परतों से बना होगा, जैसे मान लीजिए ये एक परत हो गई, फिर ये एक परत हो गई, यानी मल्टी लेयर्स होंगे, कैसे होंगे, मल्टी लेयर्स होंगे, बहुत सारी परतों से मिलकर बने होंगे, इनमें क्या होगा, स्तर होगा। भाई स्तर तो तभी होगा जब एक परत के अलावा और सारी परतें हों, एक परत ये हुई, इसके ऊपर एक परत, इसके ऊपर एक परत, ऐसे करके कई सारी परतें बिछी हों, तो यह क्या हो जाएंगी, स्तरित ऊतक, क्या हो जाएगा हमारा, स्तरित ऊतक हो जाएगा। अब बात करते हैं स्तंभित और घनाकार की, किसकी, स्तंभित और घनाकार की। स्तंभित मतलब क्या होगा, स्तंभ का मान नाम आपने सुना होगा, स्तंभ यानी खंबा, यानी जो ऐसी हो, लंबाई में हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्तंभित ऊतक, क्या इनको हम कॉलमनल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलम में जो हो, स्तंभ के रूप में हो, उनको क्या कहेंगे हम, कॉलमनल स्तंभित, सॉरी स्तंभित उपकला ऊतक या कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू। और वही अगर घन के आकार की हो, घनाकार यानी घन का नाम आपने सुना होगा, घन यानी जिसकी समान सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, लेकिन वो कैसा होता है, त्रिविमीय होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, कैसा होगा, त्रिविमीय यानी थ्री डायमेंशनल। लेकिन अगर हम वही वर्ग की बात करें, भुजाएं तो वर्ग में भी सारी समान होती हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, वह द्विविमीय होता है। लेकिन अगर हम आयत की बात करें तो आयत क्या होता है, आयत भी आपका द्विविमीय होगा, लेकिन उसकी सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं, तो वो मैथ का विषय, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। तो हमारा क्या होता है, घन, अगर हम घन की बात करें, जैसे ये हमारा मान लीजिए एक घन हो गया, क्या
क्या हो गया, एक घन हो गया, ये घनाकार टिश्यू हो गया। कैसा? घनाकार उपकला ऊतक, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो गया हमारा। तो ये कैसे होते हैं, ये जितने बड़े होते हैं उतने ही लंबे भी होते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है यहाँ अवशोषण वाला काम होता है, ठीक है। अवशोषण वाला काम जहाँ पर होता है वहीं पर क्या होता है, इनका कार्य होता है किसका, घनाकार उपकला ऊतक का, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा क्या, उपकला ऊतक। ये जो इसके प्रकार होते हैं इसको आप मत समझिएगा, क्योंकि जैसे हमारे प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे तो पूछेगा आपसे कि उपकला ऊतक तो हमारी त्वचा में कौन से ऊतक है, क्या पूछेगा, त्वचा में कौन से ऊतक है, तो आप क्या मार देंगे, उपकला ऊतक। आपको चारों देंगे, तंत्रिका ऊतक देगा, उपकला ऊतक देगा, और जो हमारे हैं बाकी दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, हाँ, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। तो इन सब के बारे में देखा कि इन चारों में से कौन सा त्वचा में हमारे कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, उपकला ऊतक। ऊतक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी एक दो प्रश्न बनेंगे, मान लीजिए अगर बन जाते हैं बाई चांस, तो आप उनको आसानी से सरल कर पाएँ, इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया है। ये टॉपिक वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हुए चलते हैं। तो ये हमारे प्रकार हो गए कौन कौन से, सरल, स्तंभित, स्तरित और घनाकार। उपकला ऊतक यानी उपकला ऊतक जो हमारी त्वचा में ऊतक पाए जाएंगे उनको हम उपकला ऊतक कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना। अब वो चाहे एक अंग से दूसरे अंग को करें, ठीक है, चाहे एक अंग से दूसरे अंग को करें, एक ऊतक से अंगों को कनेक्ट करें, जैसे भी कनेक्ट करें, इनका काम खाली क्या होगा, कनेक्ट करना। जहाँ पर भी कनेक्शन की बात आएगी वहाँ पर कैसे टिश्यू पाए जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। आइए समझते हैं इसके बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये शरीर के अन्य ऊतकों व अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। हमने आपको बताया शरीर के जितने भी अंग हैं और ऊतक हैं उनको क्या करेंगे, या जोड़ने का कार्य करेंगे, कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। रक्त की बात करें, अब देखिए संयोजी ऊतक में आते कौन कौन से हैं। संयोजी ऊतक में आपने पढ़ा होगा कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो वही आपका क्या है, रक्त क्या है, इसी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, रक्त आएगा, प्लाज्मा आएगा, अस्थि आएगी, उपास्थि आएगी, स्नायु आएंगे, टेंडन। स्नायु क्या होते हैं, हमारे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। और टेंडन का मतलब आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है, टेंडन ही कहा जाता है, और इसको वो भी कहा जाता है हिंदी में अगर बात करें तो कंडरा कहा जाता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश याद रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलते हैं किस पर, रक्त पर चलते हैं, ठीक है, किस पर चलते हैं, रक्त पर चलते हैं। चलिए, रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है। किसका, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो क्या करेगा, पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, संवहन के लिए क्या होगा, माध्यम होगा। जैसे अगर बात करें जो हमारी गैसें वगैरह, जैसे हम सुनते हैं क्या कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, परिवहन करता है। तो वह क्या करेगा, एक माध्यम है, परिवहन का एक माध्यम है। जैसे आप हैं कि कहीं जाना है आपको, आप गाड़ी बैठकर चले गए, तो गाड़ी क्या है, आपके परिवहन का एक माध्यम है, परिवहन का एक साधन है जिसके थ्रू आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। जस्ट उसी प्रकार क्या है कि ऑक्सीजन भी क्या करती है, रक्त रूपी साधन पर बैठी और पहुँच गई दूसरी जगह। जैसे हृदय से पहुँचना है दूसरी जगह, कहीं मान लीजिए फेफड़ों तक जाना है, तो क्या हुआ, आसानी से वह रक्त के थ्रू पहुँच जाती है। तो रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। यह गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन इत्यादि, पचे हुए भोजन और हार्मोन के संवहन का भी कार्य करते हैं। ऐसे हार्मोन वगैरह हैं जो हमारे पचे हुए भोजन, आपने सुना होगा क्या, वह हमारी छोटी आंत द्वारा क्या होते हैं, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और वो क्या होते हैं, आगे चलकर खून में हमारे मिल जाते हैं, और उसी खून के द्वारा क्या होते हैं, पूरे शरीर में वो दौड़ाए जाते हैं। यानी वो क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, संवहन के माध्यम का एक कार्य करते हैं। चलिए, ये था रक्त के बारे में। रक्त क्या है, कुल मिलाकर एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है कि एक परिवहन के माध्यम का एक कार्य करता है। चलिए आगे क्या है हमारा दूसरा, प्लाज्मा। अब आपने सुना होगा रक्त में क्या आते हैं, प्लाज्मा भी आते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब किस में आते हैं, ब्लड में ही आते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो आपका आपने सुना होगा लगभग 60% क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक रंगहीन पारभासी लसलसा पदार्थ होता है कुछ ऐसा, तो इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन तथा हार्मोन होते हैं। आप जानते हैं प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मुख्यतः प्रोटीन तथा हार्मोन होते हैं। अब जैसा ऐसा तो है नहीं कि अगर प्लाज्मा हमारे शरीर में है तो उसका कोई कार्य नहीं होगा, जरूर कार्य होगा, उसमें प्रोटीन और हार्मोन होते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा, किस रूप में, प्रोटीन और हार्मोन्स के
कह सकते हैं उनके संवहन में। अस्थि है, अगला क्या है, अस्थि। अस्थि जिसको हम क्या कहते हैं, बोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन्स, या हमारी हड्डियाँ जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। यह भी एक संयोजी ऊतक है। हमारी हड्डियाँ क्या हैं, यह भी एक संयोजी ऊतक है। कैसे, क्योंकि यह भी तो जोड़ने का कार्य करती हैं। हड्डियाँ भी क्या करती हैं, जोड़ने का ही कार्य करती हैं। यह शरीर को आकार प्रदान करती हैं। शरीर को क्या करती हैं, आकार प्रदान करती हैं। अगर आपके शरीर में हड्डी ना हो तो आपको लगता है कि मांस, आपके शरीर में जो मांस है उसके सहारे आपका पूरा शरीर इस्टेब्लिश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, खड़े नहीं हो पाएंगे। बिना कंकाल के आप खड़े नहीं हो सकते हैं। हड्डी ही आपका क्या है, आधारभूत ढांचा है। तो यह क्या करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है। आगे क्या है, यह शरीर के मुख्य अंगों को तथा मांसपेशियों को सहारा देता है। आपके जो शरीर के मुख्य अंग हैं, हार्ट वगैरह हुए, किडनी वगैरह हुए, इन सबको क्या करेगा, सहारा प्रदान करेगा। अगर ये सब हैं, किसके थ्रू हैं, हड्डी के थ्रू ही जुड़ी। जैसे ये आपकी छाती की हड्डी है, इसके अंदर क्या है, फेफड़े और आपके क्या कहते हैं, लीवर वगैरह क्या है, सुरक्षित हैं इसी के थ्रू, इन्हीं हड्डियों की वजह से। ये कैसी होती हैं, ये कठोर होती हैं तथा कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। हम सब जानते हैं हड्डियाँ कठोर होती हैं, कैसे बनी होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के निर्माण से क्या होती है, हड्डियों का निर्माण होता है। उपास्थि की बात करें, उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेजेस कहते हैं। हड्डियों से देखेंगे एक संरचना निकली होती है बगल से, उनको क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। अस्थि में जो साइड से निकले, मतलब जुड़ा हुआ क्या हो गया, उपास्थि, यानी कहते हैं सब, उसका सब बोन्स कह सकते हैं उनको, ठीक है। क्या होंगे वो, हमारी उपास्थि होंगी, कार्टिलेजेस होंगी। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। अब देखिए, हड्डियाँ क्या होंगी, या कठोर होती हैं, यानी इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, कम होता है। लेकिन दूसरे हाथ पर अगर हम उपास्थियों की बात करें तो इनमें क्या होगा, क्या कहते हैं, स्पेस इनमें होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जिनमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस अंतर कोशिकीय स्थान में उपस्थित होता है, यानी पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन व शर्करा की बनी होती है, यानी जो इसका ढांचा है कह सकते हैं, तरफ से इसका स्ट्रक्चर किससे बना होता है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। क्या करती है, यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, यानी अस्थियां जहाँ पर हैं, जहाँ पे उनका जोड़ है, चिकनी होंगी तभी तो, जैसे आपकी घुटने की हड्डियां वगैरह हैं, अब ये कैसी हैं, एक दूसरे पर अगर कार्य करी हैं, अगर उनमें घर्षण उत्पन्न होगा तो आपको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी, या जो भी आपको दिक्कत होगी, आपके पैर में दर्द वगैरह होते हैं किसी कारण, इसी घर्षण के कारण। अगर वो घर्षण ना हो, वो फ्लेक्सिबली काम करें, तो आपकी हड्डियाँ क्या होंगी, अच्छी तरीके से संचालित हो पाएंगी। तो उसमें चिकनाई बने रहना आवश्यकता कह सकते हैं। अब इतनी भी चिकनाई ना हो कि जो आपकी हड्डियाँ हैं वो फिसल ही जाएँ, इतनी भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए, कुछ घर्षण होना जरूरी होता है। आगे क्या है, स्नायु, जिनको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स वो होते हैं दो हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। अब कहीं ना कहीं जुड़ने का कार्य हो रहा है, तो ये क्या होंगे, लिगामेंट्स भी हमारी तरफ से कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। आगे बात करते हैं, टेंडन अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ती है। क्या करती है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ देती है, यानी जो हमारी अस्थियां हैं और मांसपेशियां हैं, शरीर में जो हमारी मांसपेशियां देख रहे हैं आप, इनसे और हड्डियों के भी जुड़ाव को क्या कहते हैं हम, ये टेंडन कहते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, ये देखिए, ये आपका फिगर है, किसका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी बोन्स है, हड्डियाँ हैं, सॉरी हड्डी है, और यहाँ से क्या है, एक मांसपेशी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, मांसपेशी देख रहे हैं, मसल है, ये क्या है, मसल है। तो ये मसल हमारी जुड़ी हुई है, इसको मिटा देते हैं, देखिए ये हमारी हड्डी से क्या जुड़ी हुई है, हड्डी से मांसपेशी जुड़ी हुई है। तो इसी जुड़ाव को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। जहाँ पर हड्डी से मांसपेशियाँ जुड़े उसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। यहाँ देखिए लिखा है क्या, पटेलर टेंडनन, टेंडन। अब पटेला हमारी क्या होती है, जो घुटने की हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेंडन है। यहाँ पर मांसपेशी आके यहाँ कहाँ जुड़ी है, इस वाली हड्डी से ये मांसपेशी जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे, यानी मांसपेशी से हड्डियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पा रहे हैं आप, ये दो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, हड्डियाँ भी तो जुड़ी हुई हैं, मांसपेशियों से हड्डियाँ जुड़ी है, लेकिन इसी हड्डी से एक और क्या जुड़ी है, हड्डी एक और जुड़ी हुई है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे लिगामेंट्स, यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स और हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये हड्डी से ये हड्डी जुड़ी है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे, या इनको हम स्नायु भी कहते हैं, ठीक है। तो आप स्नायु भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, अगर लिगामेंट्स कॉमन चीज है तो वह इन जो क्या कहते हैं अनकॉमन चीज़ पूछेगा, यानी स्नायु से पूछ देगा वो कि स्नायु क्या होता है।
अगर वही चीज़ अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो हिंदी में कॉमन हो लेकिन उसकी इंग्लिश कम लोगों को पता हो, तो वो इंग्लिश में पूछ देता है, एग्जामिनर हमेशा क्या करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो आप दोनों चीज़ों को याद रखें, लिगामेंट आमतौर पर सबको पता होता है लेकिन उसकी हिंदी स्नायु बहुत कम लोगों को पता होती है, तो आप दोनों को याद रखिए, ठीक है। वैसे ही टेंडन की आप याद रखेंगे क्या, कंडरा, यानी आपसे टेंडन तो कॉमन चीज़ है, सब लोग जानते हैं कि टेंडन, चलिए टेंडन का नाम हमने सुना है, लेकिन कंडरा किसी ने सुना है, सुने होते हैं लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं, तो आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, पेशी ऊतक, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, हमने आपको बताया क्या होता है, जो हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें जो भी ऊतक पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। चलिए, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, यह शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करता है। पेशी ऊतक क्या होता है, लंबी कोशिकाओं का बना होता है, इसी कोशिकाएं कैसी होंगी, लंबी होंगी, और यह क्या करेगा, शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। चलिए, हमारी पेशियों में एक प्रकार का सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है जिसके संकुचन एवं प्रसार से ही क्या होता है, गति होता है। हमारी पेशियाँ जो हैं इनमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जब वह प्रोटीन सिकुड़ता है, ठीक है, और प्रसार करता है, यानी सिकुड़ेगा और फैलेगा, तो इसी के थ्रू क्या होती है, हमारे शरीर में गति होती है, किसके थ्रू, इसी सिकुड़ने वाले प्रोटीन के थ्रू। ऐच्छिक पेशियाँ, ठीक है, अगर पेशियों की बात करें तो पेशियाँ भी क्या है, ऐसे ऐच्छिक पेशियाँ, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, ठीक है, तो जैसे रेखित पेशी, अरेखित पेशी यही होती हैं, रेखित पेशी यानी हमारी जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक है। चलिए समझते हैं इनके बारे में, ऐच्छिक पेशियाँ ऐसी पेशियाँ जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकें, जो भी हमारी पेशियाँ हैं जो हमारी इच्छा से गति करती हों, जैसे हमारे हाथ हुए, हमारे पैर वगैरह हुए, ठीक है, तो ये सब कैसे गति करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार, हम चाहते हैं तो हमारा हाथ इधर होता है, हम चाहते हैं तो इधर होता है, जैसा भी हम चाहते हैं हमारे हाथ पैर हमारे इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, गति करते हैं। और कंकाल पेशी, ऐसी पेशी जो अस्थि से जुड़ी होती है और इनको गति कराती है, कंकाल पेशी जो कंकाल से जुड़ी हो, ठीक है, जो पेशियाँ किससे जुड़ी हों, कंकाल से जुड़ी हों और इनको गति कराएं, तो वो कैसी होंगी, कंकाल पेशी होंगी। चिकनी पेशी, ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा से गति नहीं करती, जो हमारी इच्छा से गति नहीं करती, ऐच्छिक पेशी यानी हमारी इच्छा से गति करे, अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी क्या कहेंगे, जो हमारी इच्छा से गति नहीं करती, चिकनी पेशी कहलाती है। ये पेशियां शरीर में स्वतः संकुचन एवं प्रसार करती हैं, जैसे हमारा फेफड़ा हुआ, हमारा लीवर हुआ, हमारी किडनी हुई, ये सब क्या करते हैं, हमारी इच्छा से गति थोड़ी करेंगे, इनका जब मतलब ये जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये गति करते हैं लगातार, और आगे तक जब तक आप टिल्डाई जब तक आप मरते नहीं तब तक क्या करेंगे, ये लगातार गति करते रहेंगे, ठीक है। तो इनकी गति क्या होगी, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, यह स्वतः गति करते हैं, और कुछ अस्थियाँ या सॉरी कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से गति करती हैं। चलिए, जैसे मूत्रवाहिनी, फेफड़ा वगैरह, ये सब क्या है, अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आते हैं। और जैसे क्या है, हमारी हृदयक पेशी है, सॉरी हृदयक क्या है, हृदयक पेशी है, क्या हुआ, हृदयक पेशी। अब ये हृदयक पेशी जानते हैं आप, जो हृदय में उपस्थित होगी जो पेशियाँ, उनको क्या कहेंगे, हृदयक पेशी कहेंगे। हृदय में जो पेशियाँ उपस्थित हो उन्हें हृदयक पेशी कहेंगे। हृदयक पेशी हृदय के अलावा और कहीं भी पाई नहीं जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है हमारा, तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाए जाएंगे, हमने आपसे चर्चा की थी, तंत्रिका ऊतक पाए जाएंगे हमारे ब्रेन्स में, जो हमारे नर्वस सिस्टम है उनमें जितने भी ऊतक हैं वो सब क्या हैं, तंत्रिका ऊतक ही हैं, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक की बात करें तो किससे बनी होंगी, ये कोशिका से बनेंगी, ऊतक है तो कोशिका से बनेगा। अब तंत्रिका ऊतक किससे बनेगा, तंत्रिका कोशिका से बनेंगे, तंत्रिका कोशिका जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा हमने कोशिका वाले चैप्टर में की थी। चलिए चलते हैं इसमें, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार के ऊतकों से बनी होते हैं जिन्हें तंत्रिका ऊतक कहते हैं, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। आप जानते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसी के थ्रू हमें क्या होती है, चेतना मिलती है, यानी हम क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, किस कारण, इसी नर्वस सिस्टम के कारण, ठीक है। इसी तो क्या कहते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु जो हमारा मस्तिष्क ब्रेन है, मेरुरज्जु जो हमारी बैकबोन है, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र जो भी हमारी तंत्रिका जितने भी हमारी नर्वस सिस्टम है सब किससे बने हैं, इसी तंत्रिका ऊतक से या नर्व टिश्यू से बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं, चेतना ऊतक भी कहते हैं। इसी से क्या होती है, हमारी चेतना आती है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, एक तो हमने बताया न्यूरॉन्स और एक क्या है, न्यूरोग्लिया। कौन कौन से, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। आगे चलते हैं, ये शरीर की सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अगर हम बात करें, हमारा हाथ पैर हिलता है, जरूरी थोड़े कि
हम हैं, यानी हमारा क्या, हम भी तो कनेक्टिव हैं, कहीं कहाँ से, दिमाग से ही कनेक्टिव हैं। तो हमारी जितने भी ऐच्छिक पेशियाँ हैं और जो अनैच्छिक पेशियाँ, जो लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये सब कार्य कर रहे हैं, ये भी कहाँ से कनेक्ट हैं, ये भी हमारे माइंड से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सब का अगर कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल किसके पास होता है, हमारे ब्रेन के पास होता है। हमको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है। ये शरीर के सभी भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाती हैं। यानी कोई चीज़ हमने यहाँ पर सोचा और हमें जैसे इस पैर को हिलाना है, तो यहाँ से यहाँ तक सूचना कैसे पहुँची, इन्हीं तंत्रिका तंत्र के, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तंत्रिका ऊतक के थ्रू क्या हुई, सूचना यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। हमें ये हाथ उठाना है, यहाँ से यहाँ तक सूचना कैसे पहुँची, इसी की मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। पैर में अगर कुछ काट लिया तो यहाँ से सूचना यहाँ तक कैसे पहुँचती है, इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा। शरीर में उत्पन्न विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, अभी हमने चर्चा की। यानी शरीर में जितने भी आपके संकेत होंगे, या जैसे आपको कुछ काटा, आपको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी चीज़ है, वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचती है, इसी तंत्रिका ऊतक, या कह सकते हैं तो नर्वस सिस्टम के द्वारा पहुँचती है। कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक। तो ये था हमारा पूरा एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये हमने समाप्त कर लिया। क्या है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के थे, थे आपके उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और था आपका ये एक तंत्रिका ऊतक, इसको हम नर्व टिश्यू कहते हैं, और एक था पेशी ऊतक, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। चार प्रकार के ये थे, उपकला ऊतक जो हमारी त्वचा में होते हैं, पेशी ऊतक जिनसे हमारी पेशियां वगैरह बनी होती हैं, नर्व टिश्यू जो हमारा तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरु रज्जु है, ये सब जिससे बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और क्या बचा, और बचा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य करें, ऊतकों को या अंगों को, जैसे हमारे रक्त हो गए, प्लाज्मा हो गई, टेंडन हो गया, टेंडन क्या हुआ, अस्थि से मांसपेशियों का जोड़, लिगामेंट क्या हुआ, अस्थि से अस्थि का जोड़। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे ऊतक होते हैं। तो ऊतक देखिए था तो वैसे बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, इनसे भी प्रश्न हमारे पुटअप हो जाते हैं। तो ये क्या, दो प्रश्न जानते हैं आप, आपके लिए कितना मायने रखता होगा। तो आपका ये जो प्रश्न है ये छूटे ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको इग्नोर करते हुए हम अपने साथ लेते हुए चलते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। तो उम्मीद है आपको जंतु ऊतक समझ में आया होगा। तो यहां पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, और पीछे की जो भी वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, अगर आपने न देखा हो तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद,